हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि सलार के साथ भी क्या कुछ चल रहा है। मतलब इससे पहले मैंने डंकी पे बात करी कि डंकी के प्रोड्यूसर जो है वो फेक कलेक्शंस दे रहे हैं, और इस बात पे कोई छुपी बात नहीं है। अगर आप किसी भी इंसान से बोलोगे कि क्या कलेक्शन जो सलार और डंकी के दोनों के आ रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, तो वो बोलेगा नहीं, इन दोनों की कलेक्शन बड़ा चढ़ा के आ रहे हैं। मतलब कुछ तो भी कलेक्शन आ रहे हैं, सलार के साथ तो इतना बड़ा गैप हो चुका है ना कि उसको कवर भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा सोचें कि सलार के जो मेकर्स हैं वो ग्रेजुअली अगर अपने कलेक्शन धीरे धीरे कम बताने लग जाएं और बाद में जाके इक्वल हो जाएगा प्रोड्यूसर और ट्रेड का कलेक्शन, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इतना बड़ा गैप आ चुका है। आप सोच के देखो गैप कितना बड़ा है, कम से कम 100-150 करोड़ का गैप है। अब इतना बड़ा गैप तो कवर नहीं किया जा सकता। जहां तक बात है आज कलेक्शन की, आज ये मूवी कितना कमाने वाली, आज ये मूवी भी 3 करोड़ के आसपास ही लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है, जब मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना ही कमाने वाली, क्योंकि प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से कुछ तो भी हो सकता है। तो प्रोड्यूसर के हिसाब से तो मैं चल नहीं रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये मूवी कहीं ना कहीं 3 करोड़ के आसपास कमाएगी हिंदी नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। देखते हैं कि इस मूवी का कलेक्शन का पोस्टर कितना आता है, हो सकता है 10 करोड़ का भी डेफिनेटली इतना नहीं देंगे, इतने बेवकूफ वो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो दे भी सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस मूवी का जेन्युइन कलेक्शन कितना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।